जैसे ही अपनी एलईडी टीवी को ऑन करते हैं तो सामने ही उनका लोगो नज़र आता है, जैसा कि सैमसंग, सोनी, एलजी, वीवो। तो क्यों ना उस लोगो के बजाय हम अपनी तस्वीर को ही अपनी एलईडी टीवी की डिस्प्ले पे एडजस्ट करें, कि जैसे ही हमारा एलईडी टीवी ऑन हो वहाँ पे हमारी एडजस्ट की हुई कोई थंबनेल, कोई वॉलपेपर, कोई ग्रीनरी टाइप या फिर हमारी खुद की पिक्चर या फिर कुछ हमने टाइप किया हुआ है वो एलईडी टीवी के ऑन होते ही हमें डिस्प्ले पे नज़र आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी एलईडी टीवी पे अपनी पिक्चर या कुछ टाइप किया हुआ एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन घंटी को ज़रूर दबाइए। हमारे पास ये एक एलईडी टीवी है, हम इसे ऑन करते हैं। ऑन होने पर इसका लोगो है, स्टार्ट मेन्यू लोगो सैमसंग एलईडी टीवी का है। हम इस लोगो की जगह पे कोई दूसरा लोगो दे सकते हैं, कोई सा भी लोगो, सोनी का, एलजी का, सैमसंग का, या इवन कि हम अपनी पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं। हमने अपनी एलईडी टीवी में एक फ्लैश ड्राइव लगाई हुई है जिसमें हमने सैमसंग का एक दूसरा लोगो डाल रखा है। ये जेपीजी टाइप इमेज है जिसे हमने ओके करना है, सिलेक्ट करना है। ओके करके हमने नीचे यहाँ पे कैप्चर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपने अपने रिमोट से यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन ढूंढना है और ये देखिए कैप्चर का ऑप्शन, और यहाँ से इसे ओके कर देना है और एलसीडी स्क्रीन पर कैप्चरिंग सक्सेसफुल। अब हम अपनी एलईडी टीवी को ऑफ करते हैं और इसे फिर से ऑन करते हैं और ये देखें हमारे एलईडी टीवी का लोगो चेंज हो चुका है। हम फिर से फ़ोटोज़ में जाते हैं, इसे ओपन करते हैं और इस बार हमने यूएसबी ड्राइव में सोनी का लोगो डाल रखा है। हम इसे ओपन करते हैं और इसे सिलेक्ट करके एलईडी स्क्रीन की डिस्प्ले पर लाते हैं और यहाँ से इसे कैप्चर करते हैं। अपने रिमोट से कैप्चर ऑप्शन पर ला के हम इसे ओके करेंगे और ये देखें कैप्चर सक्सेसफुल। हम अपने एलईडी टीवी से यूएसबी ड्राइव को रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं। अब फिर से अपनी टीवी एलईडी टीवी को ऑफ करते हैं। ऑन होने पर हमारा लोगो सोनी का लोगो चेंज हो चुका है। इवन आप इस तरह अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही एलईडी टीवी ऑन हो, स्टैंड बाय मोड से एलईडी टीवी को ऑन किया जाए तो उस पर आपकी तस्वीर नज़र आए, या फिर अगर आपकी कोई शॉप है तो आपकी शॉप का नाम आए, या फिर कोई सीनरी टाइप, कोई वॉलपेपर या किसी की भी कोई भी इमेज आप लगाना चाहते हैं तो आपने सिंपल इसी तरीक़ाकार से उसे अपने एलईडी टीवी की स्क्रीन पर ओके करेंगे और ऑप्शंस में से कैप्चर कर देंगे। जैसे ही एलईडी टीवी ऑन होगा आपकी कैप्चर की हुई तस्वीर एलईडी टीवी के ऑन होते ही सामने आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।